हेलो दोस्तों, मैं माला। क्या आपके गार्डन में भी इस तरह के प्लास्टिक के हैंगिंग पॉट हैं जिसके हैंडल टूट गए हैं और पॉट सिर्फ रह गया है और पॉट ठीक है, आप चाहते हैं फिर से इसे हैंग करना, और किस तरह से इसे हैंग करेंगे जो बहुत ज़्यादा मजबूती से ये चले और ये हैंडल से भी ज़्यादा मजबूती से चले, तो मैं आपको इस वीडियो में यही शेयर करने वाली हूँ दोस्तों कि इसे आप किस तरह से हैंग करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दो साल पहले 3-4 हैंगिंग पॉट खरीद करके लाई थी, यह प्लास्टिक हैंडल वाला। तो देखिए, इसका हैंडल टूट गया है, कुछ अभी ठीक है और कुछ का टूट गया है, तो मैं इसे अब बहुत अच्छी तरह से हैंग करूँगी दोस्तों। और जो ठीक है तो उसको देखिए, फिर मैं अपसेट करके इसे रख दूँगी। ये ज़्यादा मजबूत नहीं होता है, ये बहुत से बहुत 2 साल चलता है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी धूप में ये रहता है और प्लास्टिक पानी और धूप से बहुत जल्द खराब हो जाता है। तो प्लास्टिक का हमारा पेंट वाला डब्बा है और ये 2 लीटर वाला डब्बा है, तो इसका ढक्कन मेरे पास था और ये ढक्कन बहुत ज़्यादा मजबूत होता है दोस्तों। तो देखिए, मैं इसमें कैंची का टूटा हुआ हिस्सा रखी हूँ, मैं उससे होल कर रही हूँ और 4 होल मैं इसे बना ली हूँ दोस्तों। और होल ऐसा बनाना है जिसमें रस्सी बहुत अच्छी तरह से आर पार हो जाए। तो देखिए, मैं एक बार होल बनाई और होल को अब इस कैंची से ही थोड़ा सा बड़ा कर ली हूँ। मेरे पास ड्रिल मशीन है नहीं, तो मैं इस कैंची के टूटे हुए हिस्से से ही किसी भी प्लास्टिक के पॉट में या किसी भी प्लास्टिक का मुझे कोई बर्तन होता है उसमें यदि होल बनाना होता है तो बहुत आसानी से इसे होल बन जाता है। तो 4 होल मैं बनाई हूँ और इसमें मैं कोकोनट वाला रस्सी ली हूँ। ये रस्सी बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, तो मैं इस रस्सी का बहुत पहले भी बहुत बार यूज कर चुकी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसे 4 बार मोड़ना है दोस्तों। और देखिए, 2 फोल्ड मैं इसे बनाई हूँ, तो 2 फोल्ड में ये 4 भाग हो जाता है। और इस तरह से आपको जितना बड़ा इस हैंग करना है उतना बड़ा इसे फोल्ड करके और 5वां हिस्सा को कट कर देना है दोस्तों। तो देखिए, मैं इस तरह से इसे कट कर लेना है। ढक्कन में जो होल बनाई हूँ उसी होल में से इसे निकालना है दोस्तों, और 4 होल में से इसी तरह से रस्सी को निकालना है और निकाल करके इसमें गांठ बनाना है। गांठ भी मैं 3 बना रही हूँ गांठ दोस्तों। इस तरह से बनाने के बाद ये बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा तेज़ हवा या किसी भी तरह का धूप भी हो तो ये रस्सी बहुत जल्द नहीं टूटता है दोस्तों। बहुत तेज़ धूप में भी और बहुत ज़्यादा अंधर पानी में या बारिश में ये बहुत ज़्यादा मजबूती से चलता है। तो देखिए, 4 रस्सी को मैं 4 होल में इसी तरह से बांध रही हूँ, सभी में मैं 3 बार मैं इसमें नट लगाऊंगी दोस्तों। तो आप भी कोकोनट वाला रस्सी का यूज़ कीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। बहुत बार मैं यूज कर चुकी हूँ दोस्तों, इसलिए मैं कोकोनट वाला रस्सी को आपको हमेशा बताऊंगी कि ये हैंग करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। प्लास्टिक वाला भी टूट जाता है बहुत जल्द, लेकिन कोकोनट वाला रस्सी बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। तो देखिए कितना मजबूती से ये बन गया। अब बांधने के बाद ऊपर से भी बांध देना है। अब इसको फंसा करके ये पॉट जो है उस पॉट को रख देना है और ऊपर से देखिए इसी तरह 4ों को लेना है और गांठ बना देना है। और ये गांठ बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है दोस्तों, इसे बहुत अच्छी तरह से आप नीचे तक इसे निकाल करके और बहुत अच्छी तरह से इसे खींच देंगे तो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। देखिए ये किस तरह से इस पर हैंग हो रहा है दोस्तों। और बहुत ज़्यादा ये सेफ्टी आपको करना है, तो इसे नीचे से जो आप 4 रस्सी लगाए हैं उस 4 रस्सी में 1 बड़ा रस्सी लीजिए और 1 में गांठ बांध करके और फिर 4ों में हुक की तरह सभी को फंसा देना है दोस्तों। तो देखिए, मैं पहले में नट बना रही हूँ और नट भी 2 डबल नट दीजिए दोस्तों। तो मैं इसमें 2 नट दे रही हूँ और फिर दूसरे से फिर उसमें फंसा करके निकालना है दोस्तों। तरह से सभी से एक दूसरे को अटैच करना है दोस्तों। और इस तरह से आप यदि इसे फंसा करके निकाल करके और इसे बांध देंगे तो ये इतना ज़्यादा मजबूत हो जाता है कि पॉट किसी भी स्थिति में नहीं निकलने वाला होता है। ये नीचे का ढक्कन टूट भी जाएगा तो पॉट आपका नीचे नहीं गिरेगा दोस्तों। इसलिए मैं जो भी हैंग करती हूँ इस तरह के पॉट को, तो मैं नीचे में भी बहुत अच्छी तरह से बांध देती हूँ और बांधने के बाद ये बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है और हमारा हैंगिंग पॉट बहुत मजबूती से इस पर टंगा रहेगा दोस्तों। तो देखिए, आप कोई भी इस तरह के हैंगिंग पॉट आपके प्लास्टिक वाले हैं और वो टूट जाते हैं, तो ये कोकोनट वाला रस्सी और ये पेंट वाला ढक्कन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है दोस्तों। तो देखिए, इस तरह से मैं इसे बांध दी और बांधने के बाद बहुत ज़्यादा ये मजबूत हो जाता है दोस्तों। तो आपका भी यदि कोई हैंगिंग पॉट प्लास्टिक वाला है या कोई आप डब्बा को हैंग करना चाहते हैं, तो इस तरह से किसी भी ढक्कन में रख के इसे ऊपर से इस तरह से देखिए नट बना दीजिए और इसमें आप हैंग कर दीजिए आपको जहाँ भी हैंग करना है। तो देखिए कितना मजबूती से हमने बना लिया। हम कबाड़ से जुगाड़ कर सकते हैं और कबाड़ से ही हमने इस तरह का जुगाड़ कर लिया दोस्तों। ये कोकोनट वाला रस्सी हर एक घर में
में होता है नहीं होता है, तो ये बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं मिलता है। 20 रुपये में इसका एक बैंडल मिलता है पतला वाला, वो आप लाइए और इस तरह से बना करके आपके जितने भी हैंगिंग पॉट टूट गए हैं प्लास्टिक वाले, उसको इस तरह से आप हैंग कर सकते हैं दोस्तों। तो कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार मुझे इसी तरह देते रहे दोस्तों। आपसे मैं यही हमेशा कहूँगी कि वीडियो को पूरा वॉच करें दोस्तों। जिस तरह से आप लोगों ने मुझे शॉर्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसी तरह मुझे लॉन्ग वीडियो में आप लोग क्या प्यार चाहिए। फिर मिलूंगी, बाय बाय, टेक केयर।